नमस्कार। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है आदमपुर, और आदमपुर में अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो यहाँ पे जनता है उनका क्या कहना है उनसे हम बात करेंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी बात तो जनता का फैसला होगा, जनता की जो है वोट होंगे। कुलदीप बिश्नोई को टक्कर कौन दे सकता है, सबसे बड़ी बात। दावेदार बहुत हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने वाला कौन है। तो यहाँ के लोकल बस स्टैंड के पास हूँ अभी मैं, जो आदमपुर का है, और यहाँ पे हम जानेंगे जो यहाँ पे लोकल। कहाँ से हो जी आप? मैं मंडी आदमपुर से सर। आदमपुर से क्या नाम है आपका? मेरा ललित कुमार सर। ललित जी, बाई इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ जी, किसको मानते हो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर कौन दे सकते हैं? अभी फिलहाल देखा जाए तो आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई ही जीतेंगे। कुलदीप बिश्नोई जीती? हाँ जी। अच्छा, तो कारण बताओ कि कुलदीप बिश्नोई को जो गढ़ है आज तक टूटे को नहीं? ना टूटा तो नहीं सर। क्यों, कौन टूटे? बस इनके परिवार है जी, भजनलाल जी के लड़के हैं, और कई सालों से मान लो, चलो ठीक है भाई, वक्त के हिसाब से मान लो इनका राज तो रहा नहीं है फिलहाल, यानी पिछले जो काम करा रखे हैं उनका मान लो आप, जिस तरह पॉलिटेक्निकल है, ITI है, कॉलेज है, यानी उस टाइम के अंदर मान लो उन्होंने इतना बढ़िया काम करवा दिया था, लेकिन इनका राज अभी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये अब उन्होंने उनके लड़के कुलदीप बिश्नोई ने कुछ अपनी गलती सुधारी है, वो BJP में शामिल हुए हैं। तो अच्छा, BJP में शामिल होने थे, सही कदम मानो गलत मानो? भाई फिलहाल देखा जाए तो ठीक है मैंने। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो अभी जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब जो अभी इलेक्शन है नकवे की भव्य नखड़े होकर ही? अब इस तरह है सर, देखो अब ये BJP में शामिल हुए हैं, ठीक है, तो BJP के वोट तो इनको मिलने ही मिलने हैं, और जो इसके पर्सनल वोट हैं वो कुलदीप के हैं, तो मान के चलो इनको मिलेंगे। तो मार्जिन बड़ी घटी? मार्जिन तो सर बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ जी ठीक है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, बाई इलेक्शन आने वाला है, तो कुलदीप बिश्नोई ये टक्कर में कि न मानो, कौन बंदो है जो कुलदीप बिश्नोई टक्कर दे सके आदमपुर में? अभी तो कोई वैसे कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ टक्कर वाला कौन दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है, कांग्रेस की तरफ वो 3-4 दावेदार है, JP हो गया, संपत हो गया, या मना करें सब लड़ने खातर ही मना करें? हाँ। तो इससे तो कोई न्यूज़ तो कौन मिली कि मना करें लड़ने खातर? नहीं सुनी है, जब ही तो कह रहे हैं। अच्छा, वैसे तो कि न मानो कि कुलदीप बिश्नोई ने टक्कर कौन दे सके? टक्कर के अंदर आ जाए, जरूरी कौन है, हार जीत एक अपनी जगह है, लेकिन जो वोट ले जावे, मतलब अगर उस हिसाब से देखे तो, क्योंकि 9 में जब इलेक्शन हुआ था तो JP ने टक्कर दी थी। अच्छा, तो काफ़ी कम मार्जिन से जीते, 6,000 से वो जीते थे। तुम्हें बाद में JP काम करवाया कुछ ही? JP तो बाद में ऐसे कोई तो कोशिश ही कौन करी, फिर कई साबू लगे कि BJP टक्कर दे? नहीं, वो उस टाइम की बात कह रहा हूँ, अभी पता नहीं, अभी तो देखो जी टाइमिंग बहुत हो, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट वो उस टाइम आम चुनाव थे, अभी रूलिंग का बेनिफिट तो कुलदीप को ही मिलेगा। एक तो उनका खुद का वोट बैंक है, फिर रूलिंग पार्टी का होना ये एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमपुर हुआ या आसपास? आदमपुर से लोकल, यहाँ मंडी। अच्छा अच्छा, क्या काम कराया करूँ? काम दुकान है जी। दुकान, ठीक है, धन्यवाद जी। और लोग हैं बाऊँ भी जाना कि के कहना है कि आगे बतावे है कौन जीतता है कौन आ रहा है? कुछ भाई बैठा है बस स्टैंड के आगे की मार्केट है यहाँ, तो बाऊँ जाना। वो भाई एक फ़ोन में मस्त हो रहे हुए, तो यूँ पूछा क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया, दे बताओ। बढ़िया, के नाम था रो? विनोद। फ़ोन में बड़ा मस्त हो रहे हो? बिल्कुल, और कोई काम कौन है? और कोई काम कौन नहीं? बिल्कुल। अच्छा भाई, इलेक्शन आने वाला है, तो कुलदीप बिश्नोई इवकाले भवन लावे हैं, एंट्री करवावे राजनीति में। वैसे तो पहले हो चुकी है MP इलेक्शन में एंट्री, दो बट जीत्या को नहीं, हाँ भाई एक अलग बात है। के मानो कि भव्य बिश्नोई अभी खड़ा हो ही तो वोट में कितनों के फर्क पड़ी? कोई ज्ञान कौन जी हम पर राजनीति का, कित का होते ही तो है आदमपुर का हो गया, राजनीति को कौन करो? बिल्कुल इंटरेस्ट ही कौन राजनीति में। अच्छा, के काम करा करो? सिम बेंच हूँ। सिम बेंच करो? अच्छा, सिम VI? हाँ, वोडाफोन आइडिया। हाँ जी। अच्छा चलो, वोडाफोन आइडिया की स्कीम बता दो कोई। तो स्कीम हगड़ा पूछ करके कर देते हैं, पूछ लो। टक्कर में मानो कि ना कुलदीप बिश्नोई के? ना अभी मौके पर तो शायद कोनी। कोनी? ना। मतलब जीतते कौन है? हाँ बिल्कुल।
ठीक है, धन्यवाद। क्या हाल है जी? नमस्कार जी। के नाम धरो? सतपाल जी। सतपाल? हाँ जी। सतपाल जी, बाई इलेक्शन आने वाला है अभी, कुलदीप जी इस्तीफो दे दियो तो दोबारा चुनाव हो ही। हाँ। और कुलदीप जी जो कब है कि भव्या ने टिकट दी, मतलब तो जो बात चलन लग रही है। हाँ। भव्या की टक्कर में कि न मान होते, किसी पार्टी टक्कर दे सके है और किसी बंदो टक्कर दे सके? आम आदमी पार्टी वाला वे इसका टक्कर और को टक्कर देने वाला है कौन? ठीक है। हाँ। तो आम आदमी पार्टी की कितनी की एंट्री है ये? तो कोई कुल मिला मान लो आम आदमी पार्टी है बुने चाव है लोग है या कुलदीप दूसरा नंबर, पहला नंबर कुलदीप दूसरा नंबर भाई है। अच्छा। और तो कुछ उठा लगे कोई मतलब नहीं इस वहाँ पर। कांग्रेस? ना कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस में दो चार दावेदार है जो कब वो है? बिल्कुल है, बट कांग्रेस नहीं आएगी यहाँ पर। कांग्रेस में संपत हो गयो या फिर? ना ना, संपत संपत नहीं आएगी यहाँ पर। कहाँ ठीक है, बोर्ड थोड़ा बहुत ले जाए, बाकी मान लो कोई मुद्दा नहीं है उसका। एक अशोक मंगाली वाला है भी सक्रिय हो रहे हैं? हाँ सक्रिय तो लोग होए गए जी, पर तो मुद्दा तो जो दो ही पार्टी का मान लो, मैं तो दो ही पार्टी का समझ गया। आम आदमी पार्टी हूँ जो खड़े हो वे है भूपेंद्र है, वोट बढ़िया वोट आ सके है भूपेंद्र बैणीवाल। हाँ हाँ, भूपेंद्र बैणीवाल है मेरे ख्याल। कोई भी हो आम असरावा वगैरह हूँ, असरावा हूँ। भूपेंद्र बैणीवाल है? भूपेंद्र बैणीवाल बता रहे हैं। बैणीवाल है। पोस्टर अभी गाड़िया घुमाने लग रहे हैं, भेजे उन्होंने अभी चेंज को तो कोई पता को नहीं, खैर टिकट कि नहीं देगा, पर जो नाम चल रहे वो भूपेंद्र बैणीवाल को चल रहे। तो क्या कुलदीप ने कौन टक्कर दे इसको? कोई कैंडिडेट पे डिपेंड है, कोई बिना अब तक कैंडिडेट का पता है क्या बताएं? के लग गया आज तक कुलदीप को गढ़ है ये ना, कोई कौन तोड़ पायो, बड़ा बड़ा तुर्रम खां आ गया, सारी पार्टियाँ ट्राई मार ली जी पास कुलदीप भी पास आदमपुर, कारण के मानो? कारण तो शुरू चौधरी साहब का काम कराएड़ा है, वही साहब उचालन लाग रहे हैं। चौधरी साहब मंडी के लिए बहुत कुछ करियो। ठीक है, नहीं मंडी ने कौन जाना हो आज के टाइम में? ये टक्कर में किन मानो थे? दूसरी पार्टी किसी है जो टक्कर दे दे? टक्कर तो देखो पार्टी जो बढ़िया कैंडिडेट खड़े हुए जद पतो चाले पतो तो कोई नहीं अपन भाई कौन खड़े हो कौन नहीं हो, बाकी टक्कर मुश्किल है। चलो खड़े होने का ऑप्शन बता दूं, मान लो कांग्रेस में जेपी लगा लो, संपत लगा लो या अशोक मंगाली वाला लगा लो, एक विजेंद्र बॉक्सर भी आजकल क्या हुआ मैं भी जड़ूंगा, कोई है हमें जो बंदो जेपी दे थोड़ी बहुत टक्कर देवे तो आवे तो, अगर बाकी कोई कोनी। जेपी को मिला हो पहले कभी? ना कौन मिला, कभी कौन मिला ना? कुलदीप को मिला हो एक बार खड़े? हाँ कुलदीप तो 50 बार मिल लिया। अच्छा हाँ, तो वही एक कारण है जी जो लोग वोट देवे। हाँ। राइट बिल्कुल। संपत मिला हो? संपत हूँ भाई एक मिला बस। अच्छा हाँ, तो संपत या जेपी अपने आदमपुर में कोई काम कुम करवाया? काम कुम तो किसे ही कौन करवाया, नहीं थोड़ा बहुत करवाओ तो कुलदीप ही करवाओ, मंडी हो तो है जो वो ही है। पिछले 5-7 साल में किसी पार्टी के कोई काम करवाए हुए या बीच में लोगों के बीच में आए हुए कुछ भी? ना कहीं कोई काम कौन करवाया, कौन करवाया? और थारों कोई छानिए थे सारे ही, फिर काम कोई छानो थोड़ी हो मारे तो छाननी को नहीं, पर थे बताओ जब भी मेरे पास। ना ना बताओ कि मंडी दिखने लग रही है थाने। सड़क भी कौन बन रही है? हाँ थोड़ा समय आई बाद में एंड टापड़ जिए को पीछे पानी भर रहे हो? हाँ सिवरे है जरा पानी बुरो हाल हो रहे हो कुछ ना मंडी। और क्या समस्या मान लो आदमपुर की? समस्या जो आम समस्या वही समस्या हो, हाँ घर की समस्या तो क्यों कौन मिटे हैं? एक पानी वाली समस्या बता दी, और क्या समस्या? पानी है, सीवरेज है, सड़क है, जगह जगह दलडा पड़िया है। सीवरेज का तो अभी बजट जो है वो ये अपना लगा लियो ये क्रांति चौक है, सीवरेज को तो कब कंप्लीट को सारो बजट आ रहे अभी सारो बदलने लग रहे ही वो नहीं है यहाँ है ना क्रांति चौक, ये तो अगर जो दो आंगनबाड़ी से आ जाए ना तो अभी पीछे थोड़ा सा पीछे अभी बहुत बुरा हाल था, और अभी तो यहाँ का भी है ना जो अपने ये बस स्टैंड का, यहाँ भी सीवरेज का पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ऐसी हालत है अब तो बहुत ज़्यादा। अच्छा। ऐसे बोर्ड तो चौधरी साहब कुलदीप के याने हैं, क्यों हल्का उनका ये है, और इनके पिताजी ने ना जी भजनलाल जी ने उन्होंने अच्छा काम, उनका ही नाम है इनके भरोसे फिर भी कुछ को नहीं, उनका ही नाम है भजनलाल जी है ना उनके। एक चीज़ यह भी हुआ है कि जब कोई विपक्षी पार्टी खड़े हुए नहीं मांगे अगर लोग तो बड़ा खड़े हो जाए,
लोग तो हजारा में आ जाए लेकिन वोट को नहीं आवागा सोई तो के कारण है? अगर अच्छी कैंपेन आम आदमी पार्टी की रहे ना जी तो उनके वोट भी अच्छे आओ। अच्छा, उनकी मतलब संभावना क्यों पंजाब में है दिल्ली में है तो उनमें अभी तक राजनीतिक पार्टियों में लगभग चाहे आरोप लगते रहो वो ईमानदार पार्टी वजह अभी तक की उनका क्रेज है जी। अच्छा, अगर ये तो चौधरी साहब है जी, इनके अलावा अगर किसी को खड़े करे जाना तो उसके है ये इनका मार्जिन कम रहे। हाँ, ये तो कुलदीप जी है जो खड़े हुए हैं इनके मतलब इनका तो अभी तो भव्य की एंट्री हो रही है, भव्य इनका खड़ा हुई भव्य की एंट्री होगी तो जी कोई बात कोई कम नहीं है, एक ही है इसमें कोई बात नहीं है। मतलब कोई फर्क कौन मानो वोट में कुछ कोई फर्क कौन नहीं है बनलाल जी के हिसाब से ही वोट आना है मेन बात। वोट इनका एक ही आना है ना जी तो बनलाल जी के हिसाब से इनका कुलदीप का इनका जनाधार नहीं है। अच्छा, बीजेपी में जाके सही करो गलत करो? बीजेपी में तो जी इन्होंने वैसे गलती करे अभी कोई वो कौन था क्यों या तो पहले रहते ना तो इनको अच्छा वो मिल जाता यहाँ की लोगों के काम भी होते। अभी चलो अगर मिलकर काम करो अगर काम करवाते हैं ना जी तो अच्छी बात है। अगर नहीं छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी थी इसको उसको रोया जाता तो फिर काम कराता। अभी आज ये हालात नहीं होती मंडी के अंदर काम भी करवाते जी मंडी ये हालात नहीं होती। हाँ, ये हालात नहीं होते अभी जो ये हालात है ना क्यों सत्तारूढ़ पार्टी के साथ और बीजेपी वाले आपको पता ही है जी सेंटर में भी सरकार है और यहाँ भी अगर सरकार है तो अच्छा मतलब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जो है बस स्टैंड की मार्केट में थोड़ा सा और बात कर लें और आपकी के राय है नीचे कमेंट करो जो भी थारी राय है बताओ कि इलेक्शन में के होना चाहिए के ना होना चाहिए कौन जीतना चाहिए कौन ना जीत कौन आना चाहिए इलेक्शन में। अगर कुलदीप बिश्नोई है तो बंग है अपोजिट में कौन आ सके है पांच सात बंदा पोलो टायर है बस स्टैंड के सामने इत बैठे तो आऊँ बात कर लें पहले तो इकट्ठा ही है तो अलग अलग राय मिल जाएगी। क्या हाल है जी? बढ़िया जी। शुभ नाम अपना? सुनील जी। सुनील सुनील जी बाई इलेक्शन आने वाला है कुलदीप बिश्नोई की टक्कर में किन मानो? कुलदीप बिश्नोई जी की टक्कर में कौन मान किन मानो किसो कैंडिडेट है किसी पार्टी का कैंडिडेट है और कौन है जो टक्कर दे सके? कुलदीप ना जी कोई टक्कर कौन दे इसके आम आदमपुर हल्के में कोई कौन दे सके पूरे हल्के में कोई कौन दे ना जी कौन दे। अभी चार पांच कैंडिडेट इकट्ठा हो रहे हैं जो इकट्ठा मतलब दावेदारी कर रहे हैं जेपी है संपत है या अशोक मंगाली वाले हैं या विजेंद्र बॉक्सर है हाँ चार पांच कैंडिडेट में कौन है जो कंपटीशन में आ सके? चलो आरजी तो एक अलग चीज़ है कंपटीशन में कौन आ सके? कंपटीशन का तो जी चाह रहा हूँ अभी के पता लगा जी फिलहाल तो एक नंबर में कुलदीप ही है जी। दूसरे नंबर पर तो बताओ एक नंबर को तो चलो बता दियो। हाँ जी दूसरे पर दूसरे बॉक्सर आ सके बीजेपी बॉक्सर बीजेपी जेपी। अच्छा जेपी ओके ठीक है। भव्य गए या कुलदीप गए बीजेपी में जाना हूँ कितना फर्क पड़ी वोट बढ़ी घटी के हो सही करो गलत करो? यह तो सही करे है। ठीक है कितना फर्क पड़ी? फर्क तो जी लगभग 60-70% पर। ज़्यादा आई कम आई? ज़्यादा आई ज़्यादा आई। ठीक है आऊँ भी पूछा क्या नाम भाई सर? पूनम चंद। पूनम चंद ओ मतलब पूनम नाम तो छोटे वालों को नहीं लगेगा पूनम चंद आ गए फिर चंद लगा दियो। ठीक है तो भाई यूँ बताओ के फर्क पड़ी अभी भव्य खड़े हुए कंपटीशन कौन देश का भव्य ने? भव्य ने तो कंपटीशन तो जे जे पी आओ तो जेपी देश का है जेपी देश का। और संपत वगैरह कोई कौन देश का? संपत का कोनी पहले रोल था ही कोनी कोई खास। अच्छा मतलब इतना वो कोनी एक अशोक मंगाली वाला है भी थोड़ा बहुत काम कुम करवादा रहे आदमपुर में आंदा रहे आदमपुर में आना हूँ के भाई एक तो इनकी तो पूरी पैंठ रहेगी स्टार्टिंग की ये लोग आम देखे नहीं मौके की। बीजेपी में जाके सही करो गलत करो? बीजेपी में तो ठीक है करिया है कि मैं पैंठ मणी आदमी की। तो अभी एक सी समस्या के मानो आदमपुर की क्या समस्या है आदमपुर की? हम तो गाँव काले राउंड से बिलोंग कराने काले राउंड आदमपुर में ही आवे नहीं तो के समस्या मानो आदमपुर हल्के की समस्या या मंडी की समस्या के मानो? मंडी में तो सारी समस्या है दो बूंद आंधे पानी भर जाए मंडी तो आने जोगे कौन रहे
सीवरेज की समस्या, सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, दो बूंद आंदे तो बस कच्चा कच्चा माना पड़ा है। सीवरेज को तो अभी बताया कि पूरा बजट आ रहा है, सारा काम होने लग रहा है। आ रहा ई बाया बजट, सारी लाइन चेंज करवाई, चेंज तो करवाओगे जब देखो बजट तो आंदे रहे जानते रहे, बजट का तो आम नागरिक तो जद ही जाओ जब वो काम हो जाए कम्प्लीट, उस टाइम में उसके तसल्ली हो अभी हो गया ये काम। बजट का क्या है, आम आदमी कागजा खेल तो कोने अंडे नहीं, कागज देखता अंडा ना किसने टाइम है। धन्यवाद। तो आऊँ भी पूछ लें क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी। शुभ नाम? श्रवण नाम है जी। श्रवण जी, अपने यूँ बताओ, भव्य की एंट्री हुई है कुलदीप के बाद में, अगली पीढ़ी आ गई है, तो जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा घटेगा भव्य की एंट्री? भव्य की एंट्री में तो देखो जी की कारण कैसा, लेकिन कुलदीप 100% जीतता को, जीतते को मतलब वो एक ही बात होगी, भव्य की 100% जीतता को। ठीक है, कुलदीप न्यू है एरिया को आदमी है और आगा पिताजी का भला करेड़ा है, मंडी को भलो कर तो रहो जे क्योंकि उरे को है जद और आपकी मेहर भी करें। किसी पार्टी है जो टक्कर दे सके? आम आदमी पार्टी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, या इनेलो होगी, जेजेपी होगी, किन मान चाहिए कौन देश के जी? चार भाग हो जाएगा, कुलदीप साफ जीतता वो क्योंकि वोट बट जाएगा, वो न्यू का को मेरा 50,000 वोट है, बह के मेरा 30,000 वोट है, वो का 20,000 वोट है, लेकिन आगा इकट्ठा वोट क्योंकि जुड़ के रहे हैं तो ये भी है पार्टी का वर्कर है। आम आदमी पार्टी अब 20-30,000 वोट ले जाएगी, इनेलो 20-30,000 वोट ले लेगी, तो ये कांग्रेस है 40-45 ले जाएगी, तो कहेंगे बाद में बाकी वोट बचेगा वह कुलदीप का ही बचना है, क्यों का लगाव रहे हैं लोगों। और मैं भी याद चाहूँगा कि 2 साल को टाइम रह रही है, मैं 2 साल के टाइम के अंदर मतलब कि एक ये हमारा कोई ग्रांट आई बता मैं सीवरेज वो काम चालू हो गया, तो लोगों और क्या चाहिए काम चाहिए, अब तीन तो देखो यो सारो सौदो टूटो फूटो पड़े हो, और अब जो यो 2 साल के अंदर काम करा देगो या मतलब इलेक्शन डिक्लेयर होगा तारीख आओगी बेहू पहली काम चालू हो रही है, तो लोग या लोगों तो देखो शहर के लोगों तो यही चाहिए अभी सीवरेज वो पानी है वो मतलब खट्टो आवे जमा ही सीवरेज वो पानी खट्टो आवे तो सप्लाई का मां मिल के आवे है कोई फायदा पानी जो पीने वाला आवे वो पीने वाला पानी आवे वो मिल गया मैं सीवर को पानी मिक्स सीवरेज को पानी मिल गया आवे ठीक मैं कोई रोड़ो को नहीं। और सीवरेज है ये ऊपर तीन उबड़न लग रहे हैं क्यों सेम आ गई है उरे मतलब वे बचाऊँ की मतलब जमीन में पानी है वो भी ज़्यादा हो गया तो बहुत समस्या तो बनी है, सारी सड़क टूटी फड़ी है। कुलदीप का भी मैं सारी 2 महीना में करा दूँगा, 2 महीना में करा दे वो काम तो सारी चीज़ की जीत है, वे में तो कोई रोड़ो ही को नहीं। और नहीं हो तो देखो जी भी लोगों का मत है कि कैसा क्या गलत है, और कोई बात है तो बताओ। बिल्कुल ठीक है जी, कोई नहीं और पूछ लो की बात है। ना ना ते बताओ कुछ बताना चाहो तो। मैं तो यह कहाँ जी साहब है उरे का एरिया को आदमी है, बढ़िया काम करेगा तो बढ़िया बात है, और नहीं करेगा जो जनता को किया जी जनता तो कठी गई इसका आपका स्वार्थ की खातर गलत है। हल्के की समस्या के मानो हल्के की मंडी की समस्या बता दो, एक तो सीवरेज की समस्या आ गई, पानी की समस्या है सबसे बड़ी, पानी की समस्या है, दूसरी सड़कों की समस्या है, और लोगों ने कह चाहिए जी नौकरी तो मिलनी को नहीं हो, नौकरी तो जो पढ़ेगा वही होगा, मोदी सरकार है एंगमा पढ़ने को लिखने को सबसे बड़ी अहमियत दिए हैं सरकार, कहने ना कि कहते हो लोग न्यू कहें पीसा लेके लगावें फलान लगावें या करें वाह करें, मैं तो आज तक देखी को नहीं है चीज़ में। मोदी की सरकार है स्वतंत्र आदमी है, देश को राष्ट्र निर्माता निर्माण कराए, मैं कोई दो राय को नहीं, खट्टर भी बड़ी आदमी है क्या गलत बात है। बाकी इब कांग्रेस का मां फूट पड़ी है लोग न्यू सोचा यार फिर एक सीट या जीत जाओ तो क्यों बनना को नहीं लोगा क्यों कौन बनना, एक सीट या आज ये जीत जाए कांग्रेस है तो भी क्यों कौन बनना, सरकार तो कोई पढ़ा को नहीं आएंगी, ये गलत है बात। बाकी हम कर लियो बात। के नाम है जिधर अगरसेन उग्रसेन जी बताओ अभी कौन है टक्कर में कुलदीप जी के? टक्कर तो जी कांग्रेस देश के थोड़ी बहुत देव तो कांग्रेस में किसो कैंडिडेट है, जेपी संपत अशोक मंगाली आड़ो या फिर जिंद्र बॉक्सर? जयप्रकाश देश का जी जेपी। जयप्रकाश देश का, क्यों लगे कि जयप्रकाश देश का कोई काम करवाया है या थारे बीच में आया है तो या फिर जी पहले चलो कांग्रेस का कि वोट आवे ही आसके बाकी तो क्या हुआ है कांग्रेस का वोट मतलब एक तो कुलदीप का अपना फिक्स वोट है वे भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस जी कई आदमी कहे जी मैं कांग्रेस नहीं वोट देवांगा कांग्रेस नहीं देवांगा चाहे कोई आ जाओ बाकी। कुलदीप जी भाजपा में जाके गलती करी के सही करो? सही करे जी सही काम कितना साल हो गया देख लो जी, कोई काम शुरू होया ही हो रहा है देख लो
बीजेपी में जानू हो जाए शुरू कोई काम को नहीं हो जी कोई काम देख लेते सड़क और सीवर थे देखो यही है। और की समस्या मानो आदमपुर मंडी की समस्या यही है वो देखो जी यो सीवरेज मु गंद निकाल के उरी गेड़ दें जी दुकान आगे कोई चक्कर वालों को नहीं मार दो और यो ही मारा यो क्या हमारी दुकान में चप्पला ला ला गई भाजी है एवं बढ़िया बात और क्या उसका हमारा ये भी काम शुरू है तो अच्छी बात है नहीं तो होना ही नहीं है कुछ ही को नहीं हो तो ये अच्छी बात है जी। ठीक है धन्यवाद। ठीक है तो दोस्तों अभी कुछ और भाई भी हैं उनसे भी जानेंगे क्या हाल है भाई सर। बढ़िया सर। शुभ नाम? सुनील। सुनील सुनील जी आदमपुर से ही हो? नहीं लोकल गांव से। कौन से गाँव? काली राउंड से। ठीक है तो अभी बाई इलेक्शन आने वाला है जी किन मानो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कुलदीप है या दूसरी पार्टी है कोई? आदमपुर से जो कुलदीप ही है सर। कुलदीप क्योंकि अभी जैसे जैसे इन्होंने भाजपा में पार्टी ज्वाइन की है तो उसके हिसाब से उन्होंने बजट भी 72 करोड़ रुपए का पास किया है तो पानी की निकासी के लिए उनका काम जारी है तो उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी आदमपुर में कुछ काम होगा। कुलदीप बिश्नोई को गढ़ है टक्कर कौन देश का इस तरफ आ गया अभी कुलदीप के सामने तो टक्कर की बात करते हैं तो दुष्यंत चौटाला की टक्कर दे सकते हैं। वो तो एक कट्ठी बात होगी ना अभी तो जेजेपी बीजेपी एक ही हो रही है कांग्रेस की बात करें कांग्रेस में जेपी संपत या अशोक मंगाड़ियाला या फिर विजेंद्र बक्सर में कवर मैं भी खड़ा हूँ एक तरफा ही माहौल रहेगा इसका और अच्छा काफ़ी भारी मतों से आदमपुर से नहीं ये चार पांच कैंडिडेट हमें स्ट्रॉन्ग कौन है कुलदीप तो हो गया चलो ठीक है बोल दियो कुलदीप के अलावा कुलदीप के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रॉन्ग टक्कर में कोई नहीं आ सकता कोई को नहीं आ सकता। ओके एक आम आदमी पार्टी भी कई होल्डिंग सा लगा रखे पीछे भी लगा रखे सतबीर जहाजड़िया और एक बंदा और भी कैंडिडेट है नहीं आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती सर कोई नहीं आ सकता बिल्कुल ठीक है तो और के मानो कुलदीप बीजेपी में जाके सही करो गलत करो बहुत बढ़िया किया सर पहले वो पहले ही चला जाना चाहिए था काफ़ी टाइम बाद गए हैं यदि पहले चले जाते तो आज डिप्टी सीएम होते और काम भी काफ़ी अच्छा होता। ठीक है आदमपुर की क्या समस्या मानो जो दूर होनी चाहिए? आदमपुर की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है सीवरेज की समस्या नहीं है। सीवरेज को तो चलो अभी बजट आ गया हो हाँ जी जो है काम होने लग रहे हैं इनके अलावा बताओ। इसके अलावा इन्होंने जैसे पहले लाइट नहीं रहती थी अब लाइट की समस्या का समाधान भी हो गया है अभी 6 तारीख को यहाँ चौधरी रणजीत सिंह जी भी आ रहे हैं। अच्छा सब स्टेशन आदमपुर में जहाँ तक लग रहा है उम्मीद है कि लाइट और पानी की समस्या निजात मिलेगी। ठीक है धन्यवाद। ओके दोस्तों अभी ये थी लोगों की राय और इन बाद में अभियान जारी रहेगा जो भी अपडेट है आप भी बताओ किसको जिताना कौन जीतने वाला है कौन टक्कर में है कौन टक्कर दे सकता है आप अपनी अपनी राय बताइए। और कुलदीप बिश्नोई ने अगर आप भी आदमपुर से हैं या आसपास से हैं तो ये भी बताइए कि क्या क्या काम करवाए हैं क्या नहीं करवाए हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नई न्यूज़ नई रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।